हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि आज हम आपके लिए बहुत ही पीसफुल वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं हम सीधा टॉपिक पे, लेट्स गो। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया जो भी पेंटर पीस को डिफीट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया से हजारों पेंटर ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजार पेंटिंग में से जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे, उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर को तो इनवाइट किया ही किया, साथ में मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, क्योंकि प्राइस अमाउंट इतना बड़ा था कि सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी पेंटिंग देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग ऐसी थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहाँ पर बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमा हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहाँ पर पेंटर ने पीस को डिफिक किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टील था। इतना स्टील कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आसपास में जो भी कुछ था उसका, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और बिल्कुल डार्क आसमान में तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग ऐसी भी थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी भरी घास थी। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी। तो जजेस के लिए ये शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग सबसे बेस्ट है, डेट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक दिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को उन सारी पेंटिंग से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से कॉटन के पीछे रख दिया। सामने सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा था। वो जो पेंटिंग वहाँ पर दिख रही थी दूर दूर तक शांति को डिफिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा उस आर्ट गैलरी से कुछ गलती हुई है या जजिस से कुछ गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहाँ पर रख दिया गया। तो कुछ पेंटर एक साथ गए और जाकर के उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और उनसे पूछा कि क्या कोई गलती है, ये गलती से कहीं आपने यहाँ पर कोई गलत पेंटिंग तो नहीं रख दी? तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर ये जवाब सुनकर के गुस्से से भर गए और सबने मिलकर एक रिवोल्ट कर दिया। ये देखकर सारे पेंडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए, भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास, अपने अपने माइक्स उनके मुंह के आगे कर दिए। तो अगेन वो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ नज़र आए जो दूर से नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आप सबने एक चीज़ तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी या तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली खड़क रही है, काले बादल हैं, ये सब तो आपने देख लिया। लेकिन एक चीज़ नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है, उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर के देखिए, वो जो आदमी खड़ा हुआ है और पहाड़ देख रहा है, उसके चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं है बल्कि हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। यही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति मतलब ये नहीं कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह शांत है, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जाकर रख दीजिए, वहाँ पर भी वो दुखी ही रहेगा। दूसरी तरफ जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो,
चाहे मौसम कैसा भी हो रहा हो, चाहे उसके आसपास सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, चाहे तूफान हो रही हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा और यही है शांति का असली मतलब। आई होप आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आपको जो भी सबसे बेस्ट पार्ट लगा हो उसे लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।